हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि कैसे आप यहाँ पर जो सीखते हैं उसे अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है, लास्ट के वीडियो से ही कुछ बातें निकल कर सामने आई, उन्हीं की हम बात करेंगे। कैसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लोगों को। और कुछ लोगों के मैसेजेस थे कि कहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है, तो उसकी भी बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो एक बात आई वो ये थी कि हमसे सामान नहीं लेके मार्केट से लेके आ जाते हैं डबल रेट में, चाहे मार्केट में डबल रेट हो लेकिन वहाँ से ले आते हैं, हमसे नहीं लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रहती होगी, हमें सामान बेचना ही नहीं आता होगा। और एक चीज़ होती है कि लोगों को आजकल इनकी अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, या जो आपका लोकल मार्केट है या कोई शॉप है जहाँ से उन्हें वो सामान मिल रहा है, तो उनको उन्हीं की आदत रहती है। उन्हें कुछ चाहिए होता है तो सबसे पहले उनको वही याद आता है जिनसे वो हमेशा ले रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको लोगों के दिमाग में रजिस्टर करना ज़रूरी होता है, उनको बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। इतना बिजी लाइफ, आप किसी को बता दें मैं ये काम कर रही हूँ, लोग सुन लेंगे, भूल जाएंगे, है ना। तो इतना बिजी लाइफ, आप लोगों के दिमाग में आपको रजिस्टर करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, आपको काम को कंटिन्यू करना पड़ता है। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उन्हें कुछ चाहिए होगा तो आप उन्हें याद आएंगे कि ये लेडी ये काम करती है तो हम इनसे कुछ बाय करें। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपका काम आपको बार बार लोगों को दिखाना पड़ेगा। वो चाहे स्टेटस में आप डाल के दिखाएं, कुछ एग्जीबिशंस में आप पार्टिसिपेट करें, मॉक टू मॉक जो है पब्लिसिटी करें, तो लोगों को वो याद रहना चाहिए जब उनको कुछ चाहिए होगा उस टाइम पे। जैसे एक और लेडी का मैसेज आया कि उन्होंने काफ़ी दिन बाद कॉन्टेक्ट किया और मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि इस बार आपने बहुत दिन बाद याद किया, क्या बात हुआ, तबीयत वबीयत ठीक नहीं थी? तो उन्होंने कहा नहीं, तबीयत ठीक थी, मैंने कुछ टाइम ये करना बंद कर दिया था क्योंकि जब कुछ करती हूँ कोई नहीं पूछता है, जब नहीं करती उस टाइम लोग आते हैं कि आपने इस बार कुछ बनाया नहीं। तो इसको भी अगर आप पहली चीज़ से रिलेट करके देखें कि जब तक लोगों के दिमाग में ये रजिस्टर हुआ कि ये लेडी कुछ काम करती है और वो उनके पास बाय करने के लिए, तब तक उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर काम करना ही बंद कर दिया था। तो इस बात को समझिए कि आपको काम को कंटिन्यू करना ज़रूरी है, कॉन्स्टेंट होना ज़रूरी है। और अगर ऑनलाइन की हम बात करें कि अपार्ट फ्रॉम जो आपके रिलेटिव्स है जो फ़ोन में है, उनके अलावा अगर ऑनलाइन की हम बात करें जो लोग बड़े स्केल पर सेल कर रहे हैं, और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि इतना हम लोग आजकल देख रहे हैं ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड हो रहे हैं, तो हर बुरी चीज़ में एक अच्छी चीज़ होती है, सिर्फ आपका नज़रिया होता है कि आप कौन सी चीज़ को पकड़ेंगे। तो ये जो फ्रॉड लोग होते हैं कैसे लोगों से इतना पैसा ले लेते हैं, इनके पास ना प्रोडक्ट होता है, इनके पास कुछ प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ होती होगी और वही कुछ एक पिक्स ही होती होगी इनके पास नेट से निकाली हुई, लेकिन उनको बात करना आता है, अपना सामान बेचना आता है, लोग उनको एडवांस पैसा भी दे देते हैं जब वो ये कर सकते हैं। हमें फ्रॉड नहीं करना है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, वो सामान कैसे बेच रहे हैं, उन्हें बेचना आ रहा है, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। आपके पास तो प्रोडक्ट भी है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? आप क्या करेंगे, आप अपना जो प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटो तो आपके पास रहेगी, मेकिंग के टाइम उसका वीडियो बनाइए ताकि आप जो कस्टमर है जो बाय करने में इंटरेस्टेड है उसको वीडियो शेयर कर सके कि देखिए ये मैंने बनाया, और उसको विश्वास हो सके कि एक्चुअल में ये पीस बन रहा है, ये लेडी बना रही है और वो आपसे बाय करेंगे। इसमें अच्छी बात क्या है कि उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो लोगों से पैसा ले रहे हैं सामान बेचने का नाम लेकर। आपके पास जब आपका प्रोडक्ट है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? इसमें कमी हमारी है कि हमें बेचना नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल हमें सीखना है, अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है वो हमें सीखना है। एक और चीज़ ये है कि किसी भी सीज़न के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक लास्ट दिवाली कुछ लोग मेरे पास आए थे, दिवाली से एक महीना पहले आए थे और उन्होंने कहा कि मैम हम आपसे सामान मंगवाएंगे, फिर बनवाएंगे और फिर सेल करेंगे। तो मैंने उन्हें साफ कहा कि इस बार के सीज़न के लिए मुझे नहीं लगता है कि आप सही टाइम है, आप लेट आए, आप नेक्स्ट ईयर आइए, थोड़ा पहले आइए, 3 मंथ्स पहले आइए, ताकि आप उसे रेडी करवा सके और जब लोग शुरू करें इसकी परचेजिंग, इसकी खरीदारी शुरू करें सीज़न की, उस टाइम आप उसको सेल कीजिए, या उस टाइम आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि हमें सिर्फ सेल करना है, पब्लिसिटी करना है।
तो कोई भी सीजन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, 3 महीने पहले आपके पास स्टॉक रहना चाहिए, और जब उसकी सेल शुरू होती है उस टाइम आपको उसे सिर्फ बेचने पे ध्यान देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका निकल सके। उस टाइम अगर आप बनाने बैठेंगे और फिर उसे सेल करेंगे, तब तक आधे लोगों ने तो खरीद लिया होगा, आधे लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, और कुछ एक जो लोग होंगे वो अगर आपसे लेंगे भी तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, है ना। तो ये जो 3-4 चीज़ें थी मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और सेल कहाँ पर करें उसके लिए हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें भी बात की थी, सोशल मीडिया का अगर आप अच्छे से यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर सही इसका आप यूज़ करें। और जैसे कि बहुत से फेसबुक पर पेजेस हैं, ये सब है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो है अपना रिजल्ट देता है, तो लगे रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, छोड़िए नहीं काम को बीच में, थोड़ा कॉन्स्टेंट रहिए और ये वर्क करेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।